Hello everybody, my name is Ajay Nera. I am going to teach mathematics for competitive exams. I have secured 40 out of 40 in mathematics in RRB and TPC CBT 1. Okay. And I have cleared many exams, you can see. हम यहाँ पर कंप्लीट मैथमेटिक्स करने वाले हैं जो हर वनडे एग्जाम के लिए सफिशियंट होगा. ओके और इसकी शुरुआत हम परसेंटेज चैप्टर के साथ करेंगे. ओके देखिए ये कुछ में इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, इनको आप लिख कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ओके ये लेकिन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 80 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg. 800 ग्राम 2 kg का कितना परसेंट है. ठीक है 2 kg में कितने हो जाएंगे 2000 ग्राम हो जाएंगे. ओके ऊपर वो वाली टर्म लिखी जाती है जिसको निकालना है और नीचे वो वाली टर्म लगा जिसमें से निकालना है. जैसे मैं 800 ग्राम निकालना है 2 kg में से. ओके 800 / 2000 × 200 आ जाएगा हमारा 40%. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है 60 सेंटीमीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 मीटर. 1 मीटर में होता हमारा 100 सेंटीमीटर तो 5 में हो जाएगा 500 सेंटीमीटर. ओके 60 निकालना है 60/500 ओके इंटू 100 इससे हमारा 12% आ जाएगा. मीन्स 60 सेंटीमीटर 5 मीटर का 12% है. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इफ 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी. ए का 80% बी के 50% के बराबर है. ठीक है बी इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ ए तो बी ए का कितना परसेंट होगा. 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी. 80/100 इंटू ए इज इक्वल टू 50/100 इंटू बी इससे हमारा जाएगा 8a × 5b. इसको हम रेशियो फॉर्म में लिख लेंगे. ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 और बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8. ठीक है हमें बी निकालना है इसलिए 8, ए में से निकालना है इसलिए नीचे आ जाएगा 5. 8/5 × 100 और ये हमारा 160 आ जाएगा परसेंट आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इफ 8% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4% ऑफ वाई देन 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4% ऑफ वाई. 8/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4/100 इंटू वाई इससे हमारा जाएगा 8x इज इक्वल टू 4y. इसे हम रेशियो फॉर्म निकालेंगे. x रेशियो y आ जाएगा 1:2. हम इसको इजी करने के लिए 100 और 200 लिख लेंगे. ओके इसमें बताना है 100 का 20% हमारे पास आ जाएगा 20 और किस 200 का कितना परसेंट 20 होगा तो हो जाएगा 10%. 200 का 10% हो जाएगा 20. ओके तो इससे हमारा आ जाएगा x का 20% इज इक्वल टू y का 10%. इसे हम शॉर्ट फॉर्म में से भी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 30% ऑफ x इज 72 द वैल्यू ऑफ x इज x का 30% 72 के बराबर. ओके x इंटू 30/100 इज इक्वल टू 72 और इसे हम कैलकुलेट करेंगे x आ जाएगा हमारा 240. ओके इफ x परसेंट ऑफ 25/2 इज 150 देन द वैल्यू ऑफ x इज इसमें कहा गया कि 25/2 का x परसेंट 150 है तो x की वैल्यू निकालिए तो 25/2 इंटू एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 150. 25 × 4 = 100 और 4 × 2 = 8. 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1200. ओके इफ 40% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 60% ऑफ a माइनस बी. a प्लस बी का 40% a माइनस बी के 60% के बराबर है देन 2a − 3b / a + b तो 2a − 3b / a + b निकालना में 40% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 60% ऑफ a माइनस बी. ठीक है इसकी कटिंग करेंगे इससे आ जाएगा 2a + b इज इक्वल टू 3a − b. 3a को हम लेफ्ट साइड की तरफ लेके आएंगे और 2b को हम राइट साइड की तरफ लेके आ जाएंगे. इससे हमारा जाएगा a इज इक्वल टू 5b. इसको हम रेशो फॉर्म में लिखेंगे a/b इज इक्वल टू 5:1. ठीक है हम इन दोनों की वैल्यू इस स्टेटमेंट में पुट कर देंगे. ओके 2a − 3b / a + b ए की वैल्यू हमारे पास 5 तो 2a हो जाएगा 10 और b की वैल्यू हमारे पास 1 तो 3b हो जाएगा 3. ओके इसी तरह a + b इज इक्वल टू 5+1 10 − 3 हो जाएगा 7 और 5+1 हो जाएगा 6 तो हमारा आंसर आ जाएगा 7/6. 8th क्वेश्चन 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75. इसी नंबर का 18% 75 के 12% के बराबर है वो वैल्यू हम एक्स मान लेंगे. 18% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 75 का 12%. ओके कैलकुलेशन के बाद हमारा आएगा एक्स इज इक्वल टू 25 × 2 50 मतलब 50 का 18% इज इक्वल टू 75 के 12% के बराबर होगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन इफ 120 इज 20% ऑफ ए नंबर देन 120 ऑफ दैट नंबर विल बी. किसी नंबर का 20% 120 है तो उस नंबर का
120% कितना होगा, ठीक है, वो नंबर मान लेंगे एक्स, एक्स का 20% इज इक्वल टू 120, ओके, कैलकुलेशन के बाद एक्स वो नंबर आ जाएगा हमारा 600, ओके, 100 का 120% निकालेंगे तो 120/100, ठीक है वो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 50% ऑफ ए नंबर व्हेन एडेड टू 50 इज इक्वल टू द नंबर, इज, इसी नंबर के 50% में अगर 50 जोड़ जाता है तो नंबर खुद उका हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स का 50% प्लस 50 इज इक्वल टू खुद एक्स, ओके, यहाँ पर कटिंग करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 2x, एक्स आ जाएगा हमारा 100 वैल्यू। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं किसी भी वैल्यू के हाफ में अगर कोई वैल्यू जुड़ेगी और वो पूरी वैल्यू हो रही है तो मीन्स वो जो हमारे पास सेकंड वैल्यू जो ऐड की है उसकी हाफ है तो उसका हम डबल कर देंगे तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी, जैसे तो 50 का डबल हो जाएगा 100, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 100, ओके।